ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स में दो टाइप की ग्रुपिंग है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में टेंथ वाला काम है R1, R2, R3, सीरीज में करंट की वैल्यू रिमेन्स सेम, V डिवाइड हो जाता है I into R1, I into R2, I into R3, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3 की वैल्यू को पुट करके I की वैल्यू लेके टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। पहला स्टेप क्लियर है। अब नेक्स्ट है, यही होता है ना फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, कुछ नहीं किया इसमें ऐड, इसमें वैल्यू पुट कर दी IR1 IR2 IR3, आंसर आ गया। अब इम्पॉर्टेंट ये है, अगर ये 1 ओम है, अगर ये 2 ओम है, अगर ये 3 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम से भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि एडिशन है ना। तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अफेक्टिव रेजिस्टेंस RS इज ग्रेटर देन, इन तीनों में से जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस होगी उससे भी बड़ी आएगी। और अगर यही चीज़ पैरेलल में की जाए, तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो करंट डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3 में, तो V की वैल्यू विल रिमेन सेम, पैरेलल में V सेम रहता है। तो इसके अंदर करंट I1, I2, I3 आप I1 की जगह पुट कर सकते हो V बाई R1, I2 V बाई R2, I3 V बाई R3। तो जब तुम यहाँ पे पुट करोगे V कॉमन आएगा, I अपॉन V को 1 बाई R बोलते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ये आपने किया हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये 1 ओम है, अगर ये 2 ओम है, अगर ये 3 ओम है, आपका जो आंसर आएगा वो 1 ओम से भी छोटा आएगा। ठीक, तो इसका मतलब रिजल्ट है अफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन RP इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो अगर इनमें से जो भी रेजिस्टेंस सबसे छोटी है, आंसर उससे भी छोटा ही आएगा। ठीक है यहां तक? तो ये सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट है।